एक्चुअली कई लेवल्स पे प्रिपरेशन रहा, और क्योंकि इस फिल्म का प्रोसेस बहुत ऑर्गेनिक था, तो मुझे याद है एक बार हंसल सर हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे एंड ही टोल्ड मी बिकॉज अर्लियर सिमरन वॉज अ पंजाबी गर्ल एंड ही सेड दैट बिकॉज आई एम गुजराती एंड आई हैव सच लिटल नॉलेज ऑफ दैट एनवायरनमेंट सो आई फील दैट आई वॉन्ट टू पोर्ट्रे अ गर्ल यू नो एज अ गुजर बिकॉज आई इट्स अ फैमिली स्टोरी एंड ही फेल्ट दैट आई फील दैट आई हैव अ लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कल्चर एंड आई एम लाइक आई हैव नेवर बीन इन अ गुजराती फैमिली इन माई इंटायर लाइफ एंड आई मीन अपार्ट फ्रॉम you know casually meeting my friends I have no like zero understanding of their culture their language so I think that's when the journey started doing watching few plays and just you know having that little accent not very accented because eventually she's a girl who's NRI from that to a journey of a girl who slips in life and like everyone you know somewhere she finds her ground again so yeah it's a story of life and magic and mistakes Kangana sir jab aap achhi achhi filmein banate hain to logon ki expectation aur bhi badhti hai har film ke sath to kin baaton ka khayal rakhte hain agle project ke sath koshish hamari yahi rehti hai ki जो सब्जेक्ट है जो किरदार है उसके प्रति हम पूरी ऑनेस्टी के साथ हम कहानी कहें उस कैरेक्टर की जर्नी ऑनेस्टी के साथ हम लोगों तक पेश करें और एक नैरेटिव जो है वो मेरे ऑडियंस को बांधे वो कैरेक्टर जो है उस ऑडियंस को पूरी तरह से कि वो किरदार लोगों का की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए बस वही है मतलब बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसमें कि बस लोगों तक पहुंच जाए ये कैरेक्टर और मुझे लगता है कि सिमरन बहुत ही निराला कैरेक्टर है कि गलतियां खूब करती है लेकिन कभी हार नहीं मानती है शी नेवर गिव्स अप शी इज़ एन शी डज नेवर गेट्स फटीग्ड एंड भूषण जी किस तरीके का संगीत होने वाला हमने कोई एक पीस सुना था किसी पर्टिकुलर गाने का कुछ तो ज़रा वो बहुत अच्छा म्यूज़िक है मीन्स म्यूज़िक फिल्म को एक कहानी को आगे लेके जाता है तो जो भी गाने हैं वो फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से हंसल जी ने उसको उस तरीके से म्यूज़िक को बनवाया है और सोलफुल म्यूज़िक है जब आप और एक शादी का गाना भी है मीन्स तो जिसमें कंगना जी बहुत अच्छा डांस कर रही हैं थैंक यू कंगना आपके सामने कंगना आपके सामने आप सॉरी सॉरी आपके पहली फिल्म का में आपका किरदार का नाम सिमरन था और अभी जी इस फिल्म को आप कर रही हैं पूरा एक सर्किल होते देखती हैं और सिमरन से सिमरन तक का सफ़र आपके लिए कैसा रहा है आपने बहुत अच्छी बात नोटिस की एक्चुअली जब मुझे हंसल सर ने कहा कि फिल्म का नाम सिमरन है तो मुझे याद आया लेकिन मैंने किसी से शेयर नहीं किया बहुत लोगों को याद भी नहीं है गैंगस्टर में मेरा नाम सिमरन था और तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक नॉस्टैल्जिया तो है इस नाम से और मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 10-11 साल कंप्लीट कर लिए हैं इंडस्ट्री में तो एग्जैक्टली सिमरन टू सिमरन एक सफ़र है उस टाइम पे यू नो जो अनुराग बासु ने जो मुझे लॉन्च किया था वो एक ट्रेजेडी थी नाउ विद दिस फिल्म दैट वाज अ लव स्टोरी दिस इज़ कमिंग ऑफ एज इट्स अ गर्ल एंड हर लाइफ एंड a slice of life kind of a very light hearted take on people who never give up to वैसे सी एक कहानी है हर बार जब आप एक नया नियम बनाती हैं और पुरानी परंपराओं को ध्वस्त करती हैं तो लोग पहले ऐसे ही हंसते हैं जैसे माइक के उल्टे होने पर हंसा गया आपको क्या लगता है इससे कितनी मुश्किल आती है इस बगावती तेवर से जो हम आपको देखते हैं कि आप अक्सर ईगो हर्ट करती हैं जैसा कि आप खुद एडमिट करती हैं और जब हम आपका नाम शाहरुख और अमिताभ बच्चन की परंपरा में अगला नाम जोड़ते हैं कि ये नई नायक हैं तो कितने उत्साह की बात है और कितनी मुश्किल की बात है आपके लिए मुझे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी अलग है मैं आज अपने घर से मनाली से जब आ रही थी तो एयरक्राफ्ट में बैठ के मैं सोच रही थी कि आप लोगों से मिलना होगा और किस तरह के प्रश्न आएंगे तो मुझे ऐसे लगा कि क्या मेरी जर्नी सच में ही इतनी अनयूजुअल है कि सिर्फ मुझे लगता है तो उसमें एक ही आस्पेक्ट है जो उभर के बार बार आता है कि मुझे अपनी हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है हर चीज़ मुझे लड़के ही मिलती है चाहे कुछ भी हो छोटी से छोटी चीज़
अब वो ऐसा ही है, मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरी लाइफ ही ऐसी है. सो आई मेड पीस विद इट. और एक आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का एक नियम सा बन गया है. तो मुझे इससे अब कोई दिक्कत नहीं है. और मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि सोचते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, उसमें कोई बुराई नहीं है. अगर आपको बिल्कुल ही यू नो जैसे बगावत करने वाले या रेबल या लड़ाकू या जो भी कहें, आई डोंट टेक इट टेक एन ऑफेंस. अच्छा है जैसा है वैसा है. बट जो मेरा हक है वो तो मुझे लेके ही रहना है, चाहे लड़के मिले चाहे कैसे भी मिले. यू नो हैशटैग बगावती तेवर फॉर लाइफ कंगना. आई लव दैट हैशटैग. लेट्स मेक इट ट्रेंड. हंसल सर, एक आर्टिस्ट के तौर पर जब आप किसी का सिलेक्शन करते हैं तो नेचुरली कंटेंट ड्राइव करता है आपको उस डिसीजन के लिए. लेकिन साथ काम करते हुए जो एक संरक्षक के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर जो चीज़ें आप अपने सहकलाकार के बारे में सोचते हैं, क्या आप कभी कंगना को एडवाइस करते हैं कि इनको टोन डाउन करना चाहिए और आप करना चाहिए? देखिए, डायरेक्टर मेंटोर नहीं होता है, वो पार्टनर होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है. कि आपके साथ इतने सारे टैलेंटेड लोग, इतने सारे आर्टिस्ट जो एक्चुअल जिनमें मुझसे ज़्यादा हुनर है, उनको मैनेज करना और उनको समेटना, उनके काम को एक दिशा में ले जाना, ये मेरा काम है. मैं मानता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है, एक सेंसिटिविटी के साथ मैनेज करना, ये एक डायरेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. और मैंने अंसल सर को हमेशा कहा है कि आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, बिकॉज हमेशा डायरेक्शन को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं विद समवन हु इज़ मोर लाइक अ डिक्टेटर. Someone who tells actors how to act, someone who tells art director how to put up his sets, someone who tells the designer how what designs are like. Jabki a director is like sir said, he's a you know someone who is a guiding force. So maine kabhi bhi set pe monitor nahi dekha, because it is a relationship of trust that you build with each other. And that is like I was writing my dialogues and I was acting, but he would always call me, "Kid, you want to see your shot?" And I just refused to, and not even once, not even one shot I've seen. So I think that's because I told him, he's like, "You never see monitor, don't you want to see how it's looking?" I told him that, you know, sir, I've seen your films, and he has as a universal language of cinema. You know, his cinema is very subtle. And I have different sensibilities when it comes to, you know, sort of depicting a certain story. So I don't want to interrupt in his thought process. At the same time, never in his life he told me, enacted a scene that, you know, do this. And I think the best directors I worked with are like that. They give you the material and they let you interpret it.